नेकिये समझे। अल्लाह करे सबको सेहतों से नवाजे, जो बीमार हैं उनको शिफा अता फरमाए, जो जो लोग दुआ के लिए बोले हैं उन सबके दुआएं कबूल करें। आमीन सुम्मा आमीन। आज हमारी तरफ से आप सबको ईद मुबारक, सुख हर घर में, अल्लाह हर खुशियाँ नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। आज हम डायमंड कुकिंग में ईद स्पेशल सेवियाँ कस्टर्ड रेसिपी लेके आए हैं, इसके मैं पीसेस कर ली, मैं बनाना स्टार्ट करेंगे अपन। चलिए सारे इंग्रेडिएंट्स वन बाय वन ऐड करेंगे। चलिए स्टार्ट करेंगे अपन, वन बाय वन इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे अपन। सबसे पहले अपन बटर ऐड करेंगे, इसमें बटर डाल देंगे, बटर को अच्छा मेल्ट कर लेंगे। चलिए बटर अच्छी तरह से मेल्ट हो गया, सेमी ऐड करेंगे इसमें। आपके हिसाब से सेवियाँ डालिए, सेवियाँ ऐड करेंगे अपन इसमें। थोड़ा सा का गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लेंगे इसको, सेवियों को बटर में अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन कलर करेंगे इसका, सेवियों को बटर में, ताकि खुशबू अच्छी आना सेवियों में, भुने जाना सेवियाँ अच्छी तरह से। जब तक भुनते रहेंगे सेवियाँ बटर में अपन, आप जो आपने अवेलेबल है सेवियाँ वो ले सकते हैं। बगैर भुने हुए भी आ रहे हैं आजकल, भुने हुए भी आ रहे हैं, मैं भुने हुए सेवियाँ ली, मैं आप बगैर भुने हुए भी ले सकते हैं सेवियाँ। बहुत ज़बरदस्त बन के रेडी होती है आज की नवाबी सेवियों की डिश, अपनी बहुत टेस्टी बन के रेडी होती है। आपने गेस्ट आने वाले हैं, ये जो भी आपने फंक्शन है कुछ भी है, आप ज़रूर ट्राई करिए ये रेसिपी को, बहुत ज़बरदस्त बन के रेडी होती है रेसिपी। चलिए देख सकते हैं सेमी अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो गए, इसको एक प्लेट में अपन निकाल लेंगे, उसके नेक्स्ट बताऊंगी। ऐसे अपने सेमी अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो गए, इसमें शक्कर का पाउडर ऐड कर रही हूँ मैं, इसमें एक कप आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए, आधा चम्मच इलायची पाउडर ऐड कर रही हूँ, दूध का पाउडर ऐड करें आधा कप। सारे इंग्रीडियंट्स को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे अपन, अच्छी तरह से मिक्स हो जाना सारी चीज़ों, दूध का पाउडर, शक्कर का पाउडर, इलायची का पाउडर, सेवियाँ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चलिए अच्छी तरह से मिक्स हो गया, एक 5 मिनट तक ऐसे ही मीडियम आंच पर पका लेंगे अपन इसको, उसके बाद इसको निकाल लेंगे अपन, सेट करने रख देंगे सेवियों को। मेरे पास डिश है, इसमें अपन सेवियाँ ऐड कर देंगे, अपन सभी चीज़ें मिक्स करें, जो सेवियाँ आधे अब डालेंगे, आधे अपन लकड़ी बना के ऊपर से कस्टर्ड बना के डालेंगे सेवियाँ, अच्छी तरह से सेट करेंगे इसको सेवियों को। आधे मैं रख ली सेवियाँ ऊपर से डालने के लिए, गरम गरम में अच्छे सेट होते हैं, अच्छी तरह से ऐसा दबा दबा के अच्छी तरह से सेट करेंगे इसको। चलिए अच्छी तरह से सेट हो गए, इसको साइड में रख लेंगे, नेक्स्ट अपन कस्टर्ड बना लेंगे इसका। चलिए नेक्स्ट पैन रख ली मैं, इसमें दूध है तकरीबन ये आधा लीटर दूध है, दूध को अच्छी तरह से बॉइल करते हैं, दूध अच्छी तरह से पक रहा है। मैं 2 चमचे कस्टर्ड ले ली इसमें, वनीला कस्टर्ड पाउडर है, और 2 चमचे इसमें भर के कॉर्नफ्लोर ऐड कर रही मैं इसमें, ताकि अच्छी तरह से गाढ़ा हो जाए। इसमें दूध में अपन अच्छी तरह से इसका पेस्ट बना लेंगे, दूध में दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, कस्टर्ड और कॉर्नफ्लोर को। चलिए कस्टर्ड को अपन एक साइड में रख ली मैं, अब नेक्स्ट इसमें अपन शुगर पाउडर ऐड करेंगे। अगर आपने शुगर पाउडर नहीं है तो आप जो आपने अवेलेबल है वो ऐड करिए, मैं तकरीबन 3 से 4 टीस्पून ऐड कर रही हूँ इसमें, क्योंकि अपन सेवियों में भी शक्कर डाले, देख के डालेंगे अपन इसमें शक्कर, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद ये कस्टर्ड अपन मिक्स करके रखे थे, थोड़ा थोड़ा डाल के अपन इसको गाढ़ा पेस्ट बना लेंगे इसका। अच्छी तरह से पकने देंगे इसको, देखिए गाढ़ापन अभी से चाह गया, देखो अच्छी तरह से। आधा कप दूध का पाउडर ऐड करेंगे इसमें, ताकि टेस्ट अच्छा आता दूध के पाउडर से। जरे भी लम्स में आधा ना, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इसको अपन। तो
बहुत मज़े का, बहुत ज़बरदस्त बन के रेडी होता है ये। गेस्ट कोई भी गेस्ट आए, कोई भी आए, तो आप ज़रूर बनाइए रेसिपी को, ज़रूर ट्राई करिए, बहुत अच्छा बन के रेडी होता है। देखिए ज़रे भी लम्स नहीं है, बहुत अच्छे तरह से मिक्स कर ली मैं इसको। अच्छा पकने देंगे ताकि कस्टर्ड की वो पूरी अच्छी तरह से चले आना इसमें। ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे ना आपका, ने जो भी अवेलेबल है ड्राई फ्रूट्स वो ऐड करिए आप। चलिए देख सकते हैं अच्छी तरह से मिक्स हो गया, अच्छी तरह से पक गया। इसका गैस ऑफ कर देंगे अपन। चलिए इसको ठंडे होने के लिए रखेंगे जरी देर के लिए। सेमी अच्छी तरह से सेट हो गया, अब इसमें अपन ये कस्टर्ड बना के रखे ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त दिख रही थी। अब ये सेमी अपन फ्राई करके रखे थे, इसमें दूध का पाउडर और शक्कर का पाउडर और इलायची का पाउडर मिक्स करके रखे थे अपन। अच्छी तरह से इसको पूरा डाल दिए, हाथ से ही डालना है इसको। माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त बन के रेडी हुआ। चलिए उसके ऊपर अपन डेकोरेशन कर लेंगे। जो भी आपका नहीं अवेलेबल है वो यूज़ कर सकते हैं आप, अगर आपका नहीं पाउडर भी है तो यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ड्राई फ्रूट्स कटे हुए हैं, मैं वो यूज़ कर रहा हूँ। मेरे पास चेरी सफ़ी में, ताकि खूब ऊपर से अच्छी तरह से दिखे कलरफुल। चलिए अब इसको सेट होने के लिए रखेंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट्स तक। उसके बाद नेक्स्ट बताऊंगी फिर मैं आपको, अच्छी तरह से ठंडा हो के सेट हो गया बाद फिर कट करके बताऊंगी इसके पीसेस। माशाल्लाह माशाल्लाह अच्छी तरह से सेट हो गया, देख सकते हैं माशाल्लाह से। देखिए पूरा कितना अच्छा दिख रहा है, नीचे से भी देखिए बीच में कितना अच्छा, बीच में कस्टर्ड है अपना, नीचे सेमी ऊपर सेमी, माशाल्लाह बहुत अच्छा बन के रेडी हुआ। चलिए इसको कट करके बताऊंगी मैं, कट करेंगे इसको पीसेस। देख सकते हैं अच्छी तरह से ठंडा हो गया, इसको अपन कटिंग करके इस तरीके से निकालेंगे इसको। माशाल्लाह माशाल्लाह देख सकते हैं ज़बरदस्त, देखिए कितना माशाल्लाह, देखिए नीचे सेमियाँ बीच में कस्टर्ड, माशाल्लाह कितना अच्छा बन के रेडी हुआ अपना सेमियाँ कस्टर्ड। प्लेट में निकाल लेंगे अपन इसको माशाल्लाह से। माशाल्लाह माशाल्लाह देख सकते हैं कितना अच्छा बन के रेडी हुआ, एक पीस निकाल के बताऊँगी ऐसी ही। ओफो माशाल्लाह माशाल्लाह क्या पीसेस निकल रहे, देखिए इसको टेस्ट करके बताऊंगी मैं। देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छी अपनी रेसिपी बन के रेडी हुई, ज़रूर ट्राई करिए ये रेसिपी को। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बन के रेडी हुई।